हम एयरपोर्ट आ चुके हैं और उर्वा ने जो है मेरे मोबाइल पे उल्टी कर दिया, जिसकी वजह से कैमरे की हालत खराब हो रही है। तकरीबन 1.5 साल के बाद जा रहे हैं हम एक बड़े ट्रिप के ऊपर और विश अस गुड लक, क्योंकि पहले जब उर्वा छोटी थी और ये बहुत शरीफ थी तो ट्रैवलिंग बहुत आसान थी, लेकिन अब जो है उर्वा बड़ी हो गई है और ट्रैवलिंग मुश्किल हो गई है। तो उर्वा दिखायो। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो है कैमरे के सामने नहीं टिक रही और भाग रही है, इसके बंदा पीछे भागे या फिर जो है सामान समेटे, और सामान देखे हमारा कितना हो गया है 3 दिन के ट्रिप के लिए। तो बस अब हम लोग घर से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और भाई टेंशन की वजह से जो है मेरे जोक ही नहीं निकल रहे। सेगे खेमी और वो 3 चोटियां नजर आई हैं। उल्टी करी और अब ये दोनों हो गई है। इसे जुदाई का मंजर चल रहा था। ये वाली सीट है हमारी। नहीं भाई, अभी जहाज में नहीं बैठे, अभी बाथरूम में बैठे हुए हैं। तो भाई यही भाग दौड़ लगवाई हुई है इसने, इसके पीछे पीछे भागते रहे बंदा। तो भाई चेक इन वगैरह हो गया, बहुत जल्दी क्विकली हो गया, बड़ा मजा आया। और उर्वा जो है वो भाग के पता नहीं कहाँ चली गई। ये रही उर्वा। बस अब हम अपने गेट पे जाके बैठ रहे हैं और वहाँ से पकड़ेंगे जहाज। हमारा जहाज जो है यहाँ पे गेट पे लग चुका है और मौसम के ये मनाजिर हैं। तो भाई इस एयरपोर्ट पे जीजू की फ़्लाइट की इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, पीछे आप देखें जो फ़्लाइट आई है उसका हमला उतर रहा है, और जो फ़्लाइट जाने वाली जिसमें हमने जाना है वो अभी अंदर जा रहा है। तो पर डे तकरीबन 100 के करीब फ़्लाइटें जाती हैं भाई जेजू सोल से जेजू। और आपके भाई को ये बैकग्राउंड पसंद आ गया है भाई। तो भाई ये जहाज़ जो है उड़ने के लिए तैयार है। पीछे भाई 2 बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं और ये जहाज़ थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाला है। अल्लाह खैर करे, सितंबर का महीना है भाई। भाई यहाँ पे कोई कर्नल की बीवी नहीं है, कोई जनरल की बीवी नहीं है, सब तमीज़ के दायरे में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं लाइन के अंदर। इवन ये उर्वा भी इंसान की बच्ची बन के लाइन में जा रही है। हमारा लगेज है वो यहीं पे ही पड़ा है सामने। कितने लोगों का जहाज का सफर ये 2 जुमले पढ़ पढ़ के गुजरता है, मेरा तो ऐसे ही गुजरता है। इन्होंने भाई लाइफ बॉय वालों का लोगो चोरी कर लिया है। बिल्ली की भी सेफ्टी जरूरी है भाई। वेरी गुड। चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के होते हैं, चूज वन। तो ये फाइनल जेजू एयरपोर्ट पे पहुंच गए और अभी अभी सामान हमारा सारा आ गया, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे अपने होटल।
ये मान नहीं रही थी और इधर उधर भाग रही थी, इसको बड़ी मिन्नत है समा जाते करके ये टॉफी का। अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं जेजू के और अब हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे बस और जाएंगे होटल। अबे भाई ये मेदा थाई हॉट नहीं है, होटल है। ये ई और एल जो है ना बंद हुए हैं बुझे में, इस वजह से ऐसा लग रहा है मेदा थाई होटल। तो भाई हमारे कमरे का सीन कुछ इस तरह से है। ये बैठी हमारी तबाही उरुआ न्योंग, कार्टून देखने में बिजी हुई है। बाकी यहाँ से जो बाहर के नज़ारे हैं मशीशन नज़ारे भाई, सामने जो है वो उस साइड पे सामने जो है वो है समंदर अभी जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो भाई सिदरा खाना गर्म करके लाई है और अब ये तो भाई अभी हम लोगों ने खाना खाया है और अब जा रहा हूँ मैं कॉफ़ी बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पे कैफे और इसके अलावा आउटडोर पूल है जो कि हम सुबह जाके देखेंगे, अभी तो सब सोए हुए हैं। तो भाई ये चीज़ चाय की नेमुल बदल तो नहीं है लेकिन गुजारा करना पड़ेगा। इधर चेक करते हैं इधर क्या है। भाई बाहर उड़ी बाबा, यहाँ पर तो स्विमिंग पूल है भाई लेकिन लग रहा है इसमें पानी नहीं है। चाय वाला चाय ग्राम की हुनरमंदी चेक करें ज़रा। एक हाथ से पकड़ा हुआ है, अगर गिर गया तो सारी शो निकल जाएगी फिर। तो यही कमरा है 1304। घर में जाते हैं भाई। एक्चुअली रूम सर्विस वालों से हमने पानी मांगा तो उन्होंने 500-500 ml की दो बोतलें दे दी। उस पानी से जो है ना मन की प्यास नहीं बुझ रही थी,